फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आजकल इस टाइप की वीडियोस बहुत वायरल हो रही है कि बिना आटा गूंथे, बिना रोटी बेले आप फुली रोटियां बनाइए, वो भी कुछ मिनटों में। तो इस तरह के वीडियो जब मैं देखी तो मुझे भी लगा यार, ये तो बहुत सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत अगर लगती है तो वो रोटी बनाने में, क्योंकि उसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं। तो जब मैं ये वीडियो देखी तो मुझे लगा यार, ये तो 2-3 स्टेप जो हम एक्स्ट्रा करते हैं उस तरह का इसमें करना ही नहीं है, बस आटे को घोलना है और रोटी बनानी है। तो बहुत मज़ेदार आइडिया है, और इसमें मेरा टाइम कितना बचेगा, क्योंकि टाइम बचाना तो भाई हर किसी को पसंद है। तो इस टिप को मैंने भी ट्राई किया और मुझे लगा कि हाँ, सही में ये फुली रोटियां तो बनेंगी ही, ना मुझे आटा गूंथना पड़ेगा ना रोटियां बेलनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, लेकिन जब मैं इस मेथड को फॉलो की तो मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही गंदा मिला। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि मैं आप सबको ये सच दिखा सकूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो उन लोगों ने बताया है कि ये ऐड करना है, वो मिलाना है, तो वो सब मैंने किया है। बल्कि जब चीज़ें नहीं बनी तो मैंने एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें ऐड करके बनाने की कोशिश की है, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगी, तो भी पराठे नहीं बने। फूलने की तो बात ही अलग है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इस वीडियो में सबने क्या क्या बताया है। तो मुझे सबसे पहले बताया गया कि 1 कप आटा लेना है। तो यहाँ पे मैंने बड़े से बाउल में आटा ले लिया है। अब 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक कूटा हुआ, और 1 चम्मच नमक। आप चाहें तो इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं, जो उसमें वीडियो में बताया गया था। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं था, तो मैंने हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दी थी। अब इसमें मैं पानी मिला रही हूँ, क्योंकि हमें एक पतला सा घोल रेडी करना है। अच्छे से मिला लिया मैंने। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने घोल रेडी किया, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालना था, बहुत ही पतली सी कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है। इसीलिए आप देख सकते हैं, घोल मैंने जैसे उसमें बताया गया था सेम वैसे ही मैंने भी घोल बनाया, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वाह, अब मेरे पराठे बनके रेडी होने वाले हैं। तो यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा बटर भी ऐड किया है मैंने, क्योंकि उस वीडियो में बटर भी ऐड करने को बताया गया था। बटर को भी मैंने अच्छे से मिला लिया। तो अब बैटर बनके रेडी है। आप इसका घोल का देख सकते हैं कि हमें कितना पतला, कितना गाढ़ा करना है। तो मैंने सेम वैसे ही किया है। तो अब चलते हैं तवे की तरफ। तवा भी मैंने नॉनस्टिक लिया है, क्योंकि उस वीडियो में बताया गया था कि तवा नॉनस्टिक लेना है। तो मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा ले लिया है। तवे को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, और अब मैं इस पर घोल डालूँगी जो मैंने आटे का बनाया है। उस वीडियो में बताया गया था कि जो बेस है वो थोड़ा सा मोटा ही रखना है, तो मैंने ऐसे 2 बार डाल के हल्का सा मोटा सा बेस रखा। गैस की फ्लेम को हाई कर दिया मैंने, कि ये जल्दी से सेट हो जाए नीचे साइड से। ये हल्का हल्का सा सेट होने लग गया है, आप देख सकते हैं। मैं तवे को चारों ओर हल्का हल्का घुमा के चारों ओर से इसको पकाने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि नीचे साइड से ये सेट हो गया है। तो अब मैं इसको पलट दूंगी। तो मैंने इसे पलट दिया है। पहले तो मुझे इसका नीचे का बेस देख के तो लग ही रहा था कि अब ये फूलेगा नहीं, क्योंकि नीचे का जो बेस है उस पर हल्का हल्का सा छेद छेद जैसा निशान बना हुआ है, जो डोशे में बनता है, आपने ध्यान दिया होगा। तो मुझे लगा कि यार ये कैसे फूल सकता है, लेकिन चलो ठीक है, आगे भी देखते हैं इसे पका के, क्या पता आगे मैं चल के थोड़ा सा इस पर घी लगाऊँ या बटर लगाऊँ तो शायद फूलने लगे। तो मैं दोनों साइड से हल्का हल्का सा पकाने लग गई थी, लेकिन रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है। ये तो एक मीठी रोटी जो हम बनाते हैं उस तरह का ये बन रहा है, लेकिन फुल नहीं रहा है, तो इसको हम पराठे नहीं कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस बेवकूफ़ी में बिल्कुल मत रहिए। मैंने ये वीडियो बनाया कि आप सब तक इसका सच मैं दिखा सकूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स इस वीडियो के शिकार ना हो, तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स को शेयर करिए कि भाई, जो ये वीडियो आजकल बहुत वायरल चल रहा है, ये गलत वीडियो है, इस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से
इस वीडियो को बना लिया है और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए फुल बिल्कुल भी नहीं रहा है, बस मैं दोनों साइड से लाइक अ डोसा इसको सेक रही हूँ। तो पराठा तो इसे हम कह ही नहीं सकते, हाँ मीठी रोटी टाइप, लेकिन ये मीठा तो है नहीं, हमने इसमें सॉल्ट डाला है। तो आप इसको नॉर्मली खाएं, वैसे खाने में भी इतना अच्छा नहीं लगता है, तो ये वेस्ट ही है। और जितना मैं सोच रही थी कि मेरा टाइम बचेगा, तो मुझे तो लगता है किचन में मेरा और टाइम इस मैथड ने बढ़ा दिया है। तो मैं नेक्स्ट टाइम से इस मैथड को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूँगी, और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप ये मैथड बिल्कुल भी फॉलो मत करिए। फिर मुझे लगा कि यार ये फुला नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ ऐड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर मैंने उसी बैटर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया। बेकिंग सोडा ऐड करने से कोई भी चीज़ अच्छे से फूलती है। तो मुझे लगा शायद उस यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में इसको बताना, और शायद वो भूल गई हो, क्योंकि कई बार होता है वीडियो बनाते में कोई कोई चीज़ स्किप हो जाती है। तो फिर मैं इसमें बेकिंग सोडा मैंने ऐड कर दिया है, मैं इसको बहुत अच्छे से मिला भी रही हूँ। अब मिलाने के बाद फिर से मैंने पराठे बनाने के लिए तवा रेडी कर लिया है, शायद इस बार पराठे बन जाए और फूले भी। तो तवे पे मैंने फिर से वो घोल डाल दिया है, और देखते हैं इस बार ये बनता है कि नहीं। तो इसमें छोटे छोटे से छेद होने लग गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी पराठे बनके रेडी होंगे। तो ये पूरे अच्छे से नीचे साइड से बेस रेडी हो गया, सीख गया है। सरफेस फिर से वैसा ही जालीदार सा आया है जैसे डोसे में आता है, तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि अब ये पराठे फूलने वाले नहीं हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर इस तरह का बनाना है, तो आप नमक की जगह चीनी ऐड करके आप मीठी रोटी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पराठा बनाऊं, तो वो गलत है, नहीं बनने वाला है, ये लोग कर। तो फ्रेंड्स ऐसी फेक वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए जितना कर सकते हैं।